वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरडी भट्ट हियर। आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है, नाउन यानी संज्ञा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये क्लास 3 से और 10th तक के सभी बच्चों का पढ़ना अनिवार्य है और ये नाउन एक कॉमन चैप्टर है जिसके बारे में सभी लोग ध्यान से जानें। आप सभी जानते हैं कि नाउन किसी चीज़ के नाम के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट मे बी ए प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स, आइडिया, दीज आर नाउन्स। And we can write the definition of noun as the noun is the name of a person, place, animal, things, or idea, or feelings। ये सभी चीजें हमारी नाउन में गवर्न होती हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी विचार का नाम हो या किसी सोच का नाम हो, ये सभी चीज़ें हमारी नाउन में गवर्न होती हैं। नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ नाउन्स। मेनली द टाइप ऑफ नाउन्स अप टू 6 क्लास इज 5। पांचवी छठी क्लास तक जनरली 5 ही नाउन के बारे में बताया जाता है। एर्थ क्लास में 6वां नाउन, 6th, 7th में 6 नाउन पढ़ाए जाते हैं नॉर्मली, जो हमारे CBSE कोर्स में है। द फर्स्ट इज देयर आर 6 टाइप ऑफ नाउन्स। द फर्स्ट इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग्स, पर्सन, प्लेस। पर्टिकुलर नेम of a person, place, animal, of things। This proper noun starts with कैपिटल लेटर ओनली, एज इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। इसका जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। ये प्रॉपर नाउन की मेन पहचान है। जैसे प्लेस में देखें, दिल्ली, लखनऊ। दिल्ली, लखनऊ या रिवर में देखें, किसी रिवर का नाम गंगा,
यमुना, माउंटेन के नाम में आप एवरेस्ट, हिमालय। हिमालय और व्यक्ति के नाम में राम मोहन, राम मोहन। ये सभी प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रॉपर नाउन का जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल लेटर का होता है। आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कभी भी नेम ऑफ द पर्सन, अगर किसी व्यक्ति का नाम है उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, ये रिस्ट्रिक्टेड है। कभी भी आप द राम या द मोहन इस टाइप से कभी भी यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये नेमिंग वर्ड किसी व्यक्ति के नाम में आप कभी भी उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकेंड नाउन इज द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन दिस इज द जनरल नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये नॉर्मली जो कॉमन नाउन होते हैं ये नॉन लिविंग में भी आते हैं और लिविंग में भी आते हैं, ये दोनों में होते हैं। हम कॉमन नाउन में जैसे थिंग्स में लें तो हमारी बुक्स हैं, गर्ल्स है, वाइफ, चेयर्स, दीज आर द कॉमन नाउन्स। सो वी नो द कॉमन नाउन्स। गर्ल्स अगर किसी पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में चले जाएगा, जैसे सीता, शीला, इस टाइप से अगर किसी लड़की का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगर नाम नहीं है, खाली लड़की है, तो वो कॉमन नाउन में होगा। इसी तरह से मैस्कुलिन जेंडर में भी, मेल में भी यही है कि यदि हम राम या मोहन कहेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में होगा, यदि हम जनरल कहेंगे कि ये लड़का है तो वो जो लड़का होगा बॉय वो कॉमन नाउन में होगा। द थर्ड नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके हम फीलिंग्स, आइडिया, ये सब चीजें हम प्रकट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट शोज द कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ द थिंग्स, ऑफ ए पर्सन, ऑफ द प्लेस। इट शोज द क्वालिटी, कंडीशन ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्वालिटी यानी उसका गुण क्या है, उसकी स्थिति क्या है, हम इस विषय में जो कुछ भी आता है हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा में हम उसको लिखते हैं। जैसे वह व्यक्ति बहुत खुश है, तो जो प्रसन्नता है ये उसकी फीलिंग्स है, तो हम फीलिंग्स को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो फीलिंग्स है जो कंडीशन है, वह मरा हुआ है, तो जो मरा हुआ है ये उसकी स्थिति है, बीमार है ये उसकी स्थिति है, तो जो ये इसकी स्थिति है या उसकी जो क्वालिटी है, इसके जो गुण हैं, इन सब चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट टाउन में रखते हैं। जैसे हैप्पीनेस,
डेड मरा हुआ, डेड सिकनेस बीमारी। तो इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, डार्कनेस चाइल्डहुड विजाला द अब्स्ट्रैक्ट नाउ, ये सभी जो खुशी है, मृत है, बीमार है, अंधेरा है या बचपन है, ये सभी चीज़ें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। तो मुख्यतः आप इसका सारांश यही हुआ कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह सभी चीज़ें हैं जिसमें उसके गुण और उसकी स्थिति का बोध होता है, क्वालिटी एंड कंडीशंस, दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ फोर्थ नाउन कलेक्टिव नाउन, जैसा कि आपको कलेक्टिव शब्द से ही बोध हो रहा है, कलेक्ट मीन्स था इकट्ठा करना, यानी कि कलेक्टिव मैंने समूह, जो चीज़ इकट्ठा किया हुआ हो। तो इसका कलेक्टिव नाउन का जो मेन इसका डिफिनेशन हुआ वही द ग्रुप ऑफ ए पीपल प्लेस और थिंग्स, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन इंसेक्ट्स और थिंग्स, ये समूह को समूह का बोध कराता है। जैसे यदि मनुष्यों का समूह हो तो हम इसको क्राउड कह सकते हैं, भीड़, भीड़ भाड़ में कई मनुष्य हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्राउड शब्द से हम इसको कर सकते हैं कि क्राउड इज द कलेक्टिव नाउन। आर्मी सेना का समूह, आर्मी सेना का समूह, इसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं इसलिए हम उसको आर्मी कहते हैं। टीम खिलाड़ियों का समूह, हम कई खिलाड़ी उसमें शामिल होते हैं उसको हम टीम कहते हैं, इसे हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रखा जाता है। ध्यान रखें कि ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है लेकिन इसे हम कई लोगों के होने के बावजूद भी हम इसको सिंगुलर नंबर में ही काउंट करते हैं, टीम। इसी प्रकार से देखें हर्ड्स हाथियों का समूह, ये जानवरों का समूह है, हाथियों का समूह। स्कूल इसको हम मछलियों का समूह कहते हैं, स्कूल मछलियों का समूह। इसके अलावा आप स्कूल के अलावा कॉलोनी भी है, कॉलोनी, कॉलोनी मीन्स चींटियों का समूह, हम चींटियों के समूह को कॉलोनी कहते हैं। तो ये सभी जो है ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं क्योंकि ये सभी एक से ज़्यादा लोगों से मिलकर बने हुए हैं, चाहे आर्मी हो, हर्ट्स हो, स्कूल हो, कॉलोनी हो, पार्लियामेंट हो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये सभी कलेक्टिव नाउन में आते हैं। नाउ द फिफ्थ नाउन इज मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो सभी पदार्थ, यानी पदार्थवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं, वो सभी पदार्थ आते हैं जिनसे मेन बात यह कि हम उसको कन्वर्ट दूसरे चीज़ों में कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन में आते हैं। जो पदार्थ में आते हैं उनको हम किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मटेरियल नाउन हम लोग छू सकते हैं, इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच्ड, इसे छुआ भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, जो मटेरियल नाउन होता है। जैसे जैसे मटेरियल नाउन ऑल द मेटल्स
ऑल द मेटल्स आर थिंग्स विच वी कैन सी और टच एज, जैसे पानी है वाटर, वाटर भी मटेरियल नाउन में आता है, इसलिए ये कई पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये भी होते हैं, इसलिए हम इसको भी वाटर को भी हम इसमें रखते हैं वाटर। ध्यान रखें कि मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, इनकी गणना नहीं की जाती, हम एक पानी दो पानी तीन पानी ये नहीं कह सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल में आते हैं। मिल्क, मिल्क को भी हम काउंट नहीं करते हैं कि एक या दो तीन में हम काउंट नहीं कर सकते। आयरन, गोल्ड, ऑयल, ये सभी चीजें मटेरियल नाउन में आती हैं, तेल सोना लोहा दूध पानी इस टाइप से जो भी होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये सभी अनकाउंटेबल ये मटेरियल नाउन होते हैं। एंड द फिफ्थ नाउन इज मटेरियल नाउन सिक्स नाउन, नाउन नंबर सिक्स इज रिसेंटली इन्वॉल्व इन आवर कोर्सेज दिस ईयर 2020, इट वॉज नॉट अर्लियर टॉट टू द स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन, दिस ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन, बट फॉर एनी हेल्प इट कैन मूव आर वर्क दैट कॉमन नाउन्स आर काउंटेड इन कंक्रीट नाउन। ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन इसी हिसाब से एक टाइप ऑफ कॉमन नाउन, इनमें हम उन चीजों को लेते हैं जो किसी अन्य की सहायता से ये मूव कर सकते हैं या चल सकते हैं या अपना फंक्शन कर सकते हैं, जैसे बस, बस कैन मूव, बस, कार, बाइक, इटीसी, ये सब चीजें हमारी रेफ्रिजरेटर भी है, रेफ्रिजरेटर, ये सभी चीजें कंक्रीट नाउन में आती हैं, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन। नाउ अब आपको हिंदी में थोड़ी इसकी समरी बता दें, नाउन मुख्यतः छह प्रकार की होती हैं, प्रॉपर नाउन जिसमें विशेषता किसी का नाम होता है, चाहे वो नदी का हो चाहे पहाड़ का हो चाहे व्यक्ति का हो, ये किसी का नाम होता है, चाहे किसी पुस्तक का भी नाम हो, जैसे रामायण है महाभारत है, हम इस तरह से गीता है कुरान है, ये सभी भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। प्रॉपर नाउन की पहचान ये है कि हम उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, चाहे वो बीच में आए चाहे वो स्टार्टिंग में आए। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो हम उस नाम से पहले कभी द आर्टिकल टी एच ई द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है यानी प्रतिबंधित है। दूसरा हमारा आता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एक जनरल किसी भी वस्तु या मनुष्य या जगह का नाम हो सकता है, इसमें बॉय गर्ल चेयर टेबल फैन हाउस ये सभी जो है हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। थर्ड वाज कलेक्टिव नाउन, जैसा कि आपको बताया यह समूह होता है, चाहे वो किसी चीज़ हाथियों का समूह हो जेब्रा का समूह हो चींटियों का समूह हो मछलियों का समूह हो व्यक्तियों का समूह हो सेना का समूह हो या खिलाड़ियों का समूह हो, किसी भी समूह को हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। ध्यान रहे कलेक्टिव नाउन को यदि एक शब्द में लिखा जाता है तो वो ऑलवेज हमें वो सिंगुलर नंबर में ही उसका प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जानते हैं हम इसको छू भी सकते हैं देख भी सकते हैं हम मटेरियल नाउन को, जैसे और ये अनकाउंटेबल होता है इसको गिन नहीं सकते, वाटर मिल्क आयरन गोल्ड ऑयल ये सभी मटेरियल नाउन में आते हैं। तो सिक्स नाउन इज कॉन्क्रीट नाउन, ये एक कॉमन नाउन का ही एक पार्ट है, जिसे कॉमन नाउन में ही, जिस प्रकार प्रोनाउन में आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और
एक एम्फेटिक प्रोनाउन, ये दोनों लगभग सेम होते हैं, सिर्फ उनका यूज अलग अलग हो जाता है। इसकी वजह से सेम इसी प्रकार से है कि कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन भी लगभग सेम ही होते हैं, थोड़े डिफरेंस के नाते। ये बस, कार, बाइक, ये चीज़ें जो तेल से चलने वाली हैं और ये मूव करती हैं, इसलिए इनको हम कंक्रीट नाउन में रखते हैं। थैंक यू, आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ें और इसके एग्जाम्पल्स देखें ताकि आपको नाउन अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू।